अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रेहान भाई। और आपका क्या नाम है जी? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आज मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और हो सकता है हमारी कोशिश कुछ काम में आ जाए। पता नहीं कि आएगी नहीं आएगी, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। सो पहले हम पढ़ें क्यों? हमें इसलिए पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि हम अगर पढ़ना सीख जाएंगे तो कुरान शरीफ़ पढ़ना आ जाएगा, अल्लाह के अहकाम पढ़ना आ जाएंगे, अपना नाम पढ़ना आ जाएगा, ख़त पढ़ना आ जाएंगे, साइन बोर्ड पढ़ना आ जाएंगे, और क्या अखबार पढ़ना आ जाएगा, फिर हम और मज़े की चीज़ें भी सीख सकेंगे। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो लाखों करोड़ों जो किताबें दुनिया में लिखी हुई हैं वो हमें इल्म उसके अंदर मौजूद है, उस इल्म को हम कैसे सीखेंगे? हम कैसे सीखेंगे कि अगर एक आदमी पढ़ के डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कुछ लोग पढ़ के जो है वो बेहतर काश्तकारी करने लगते हैं, कुछ लोग बेहतर कारपेंटर बन जाते हैं, कुछ लोग बेहतर बड़े बन जाते हैं, कुछ लोग बेहतर और अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो इल्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, बल्कि इल्म का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा इल्म हो और हमें ये पता चले कि दुनिया में और क्या क्या होता है, किस तरह से लोग सोचते हैं, और जाके हम जो भी काम दुनिया में करें उसको और बेहतर तरीके से कर सकें। यह है इल्म का मकसद, और यही मकसद है इस छोटे से स्कूल को चलाने का जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है रेहान स्कूल, और ये मोबाइल फ़ोन पर चलता है। चलें आएँ तो पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अलिफ बे ते से भी कर सकते हैं, जो कि आप कायदा पढ़ ही चुके होंगे शायद, और आज हम करते हैं ए बी सी डी से। ए बी सी डी जो है वो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं, और इसमें सबसे पहले जो लफ्ज़ आता है वो है ए, यानी आ। इसकी आवाज़ है वो आ से आई है। तो ए से अल्लाह होता है सबसे बड़ा, सबसे पहले आने वाला और सबसे आखिर तक रहने वाला, शुरू से रहने वाला और आखिर तक रहने वाला अल्लाह, ये भी ए से होता है। जिस तरह अलिफ होता है ना पहला हर्फ उर्दू के अंदर, इसी तरह अंग्रेज़ी में होता है पहले आ या ए। तो अंग्रेज़ी और उर्दू में ये भी बात कॉमन है कि उनका भी आ है पहला, हमारा भी आ है पहले, ठीक है। दूसरा इसी तरीके से अफ्रीका, आपने शायद नाम सुना हो, जहाँ पे इतना दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका, और जहाँ से कहते हैं कि दुनिया शुरू हुई और आदम वहाँ पे आए, अफ्रीका। और अफ्रीका जो है वहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए, उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ हम सबको अपने पैरों पर खड़ा कर दे। इसी तरह भाई अहमद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था अहमद, तो ये भी ए से आता है, ए या आ से अहमद आता है। इसकी स्पेलिंग बनती है ए एच एम ई डी, अहमद। और इसी तरह अल्लाह की स्पेलिंग क्या बनती है? अल्लाह, ए एल एल ए एच, अल्लाह। और जो अफ्रीका था उसकी स्पेलिंग क्या बनती है? ए एफ आर आई सी ए, अफ्रीका। अफ्रीका होता है वैसे तो, लेकिन उसको अफ्रीका बोलते हैं हमारे वाले, है ना जी। तो ये हो गया आज का लेसन पूरा। अब अगले लेसन के लिए अगला बटन दबाइए और देखें कि अगला आके क्या सरप्राइज़ आता है। मेरा नाम है रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।